10 मिनट तो ऐसे ही मौत में पड़े रहेंगे। ये देखो मरी हुई बोट है, कौन ऐसे बोट चलाता है, अपने आप चल रही है वो। तो हम लोग रुक गए आधे रास्ते पे, माउंट आबू से नीचे उतर रहे और इस व्यू पे यहाँ पे रुक गए हम लोग। हो गई तेरी इच्छा पूरी रबड़ी की लास्ट टाइम? दोबारा पैडल मारते मारते थक गए। देखो ऐसे बोट पड़ी है, जहाँ मन करे ले जाए चलेगा। हमारे पास अभी 20 मिनट है। तो आ गए हम लोग नक्की लेक में, बस उसी तरफ वहाँ पे बोटिंग की जो विंडो है वहाँ से टिकट लेंगे। बोटिंग स्टार्ट हो गई है, देखते हैं कितनी प्राइस है। मंडे तो कुछ डिस्काउंट मिलता है या नहीं? हाँ। नहीं जरूर मिलेगा? जरूर जरूर मिलेगा। हाँ। ट्राई करते हैं। सो बोटिंग के टिकट ले लिए, पर 200 रुपये और 5 रुपये लाइफ जैकेट का है, तो अब बोटिंग की ओर चलते हैं। तो ये है 400 वाली बोट जो हमने लिया 2 पर्सन का, और ये है 600 मतलब 300 रुपीज पर पर्सन। मैडम 2 मिनट ये वाले ले लो। अच्छा। रुक जाना। और निकल पड़ी हमारी सवारी, देखते हैं लगता है टकराएंगे जाके। अब इस गुब्बारे से टकराने वाले यहाँ पे। अरे तो बहुत तेज पैडल मार रहा है यार। आराम से मारो। हाँ। तो आधे घंटे में ही गोल घूम चलेगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आधे घंटे का टाइम है, आधे घंटे से ज्यादा करना है तो उसका चार्ज ज्यादा है, तो आधे घंटे बोटिंग करते हैं। हमारी बोट टूटते हुए भी लग रही है से। ऐसी चल रही है हमारी बोट, क्या हुआ? नहीं तुझे कहाँ जाना बता। अरे मुझे यहाँ आसपास रहता कि मैं डूबू तो वो बोट वाले हैं ना बचाने के लिए। अब वहाँ देखिए नक्की लेक में डूब गई तो वो कैसे आएंगे? ये पूरा नक्की लेक ही है। अरे वहाँ डूबूंगी तो देर में आएंगे यार, देखो पता है भारत की पब्लिक का वो हेल्प करने देर में आती है यार। वो तो है, पर तो डूबेगी नहीं है, तूने ऑरेंज जैकेट पहना हुआ है। पर फिर मुझे नहीं भरोसा इस पे भी। क्यों? अंटिल मैं डूब के ना देखूं तो मुझे ना पता कैसी है। एक बार डेमो लेना। नहीं, इतना क्यों डर रही है? रिलैक्स, देखो स्विमिंग भी नहीं आती ऊपर से। इतना मत डर, रिलैक्स हो जा, चल वहाँ चलते। और अंजलि डेयरिंग का काम कर रही है, रील्स बना रही है बोट में। थोड़ा मोड़ दे। क्यों लग रहा है कि मेरे साइड पे नीचे जा रही है वो? वो वजन पे होता है ना तेरा, 10 किलो ज्यादा है ना मुझसे। अरे वो तो है, पर उसको बोलना चाहिए ना, वेट वाले लोग नहीं बैठ सकते तो मैं नहीं बैठता। नहीं ऐसा नहीं है, बस मैं थोड़ा वजन देता हूँ इस तरफ, ठीक है? तो तुझे रील्स बनाने में डर नहीं लगता? फोन देखना मैंने कैसे पकड़ा, वो नहीं दिख रहा। नीचे गया तो बर्बाद हो जाऊंगी। अभी इंस्टॉलमेंट बाकी है। A few inches later. पैडल मारते मारते थक गए। देखो ऐसे बोट पड़ी है, जहाँ मन करे ले जाए चलेगा। हमारे पास अभी 20 मिनट है, 10 मिनट में हम लोग थक गए। रील्स बना ली, टाइम लैप्स ले लिया, सब कर लिया। बोरिंग है लेकिन ये। बोरिंग ठीक है, मतलब वो क्या बोलते हैं, स्पोर्ट बोट होती तो और मजा आता। चप्पू लेके आना चाहिए था। चप्पू ऐसा ऐसा करना है तुझे? ये हो नहीं रहा पैर वाला तुझसे, वो करना है। नदिया के पार गाना बनाती मैं। अभी भी हमारे पास कुछ 18 मिनट के आसपास का टाइम है, 15 मिनट, तब तक बोटिंग करनी है। 10 मिनट तो ऐसे ही मौत में पड़े रहेंगे। ये देखो मरी हुई बोट है, कौन ऐसे बोट चलाता है, अपने आप चल रही है वो। बोलेंगे कौन बैठा है हमारे ऊपर आ गया। वो बोलेगा एक काम करते हैं, रस्सी डाल के खींच के ले लेते, 4-5 मछलियाँ पकड़ ले थोड़ी हम। चल आजा, फुल स्पीड से जा रहा है एकदम मस्त, 180 की स्पीड से। या 180 की स्पीड से भी नहीं चली कहाँ पर है अभी तक। एक तो थक गए पैर से, ऊपर से सन है, डायरेक्ट दिमाग पे असर हो रही है। और ऊपर से कितनी भी तेज पैडल मारो वो अपनी स्पीड में चलती। हाँ थक गए भाई,
मेहनत वाला काम है। वो वाली बोट पता है वो अच्छी किस बात पे थी? वो बचपन से बोट पे ना एक ही चलाता, तो तू चलाता ना आराम से फिर, इसलिए नहीं ली ना वो। समझ में आया? अब मेहनत करो, मेहनत मेहनत। सो फाइनली इट्स टाइम टू गो होम। हमने बहुत बोटिंग कर ली, थोड़ा बोट को पार्क करते थे हमारी प्राइवेट जगह पे। लेकिन मुझे वो गुरु शिखर बहुत अच्छा लगा। गुरु शिखर अच्छा लगा? पब्लिक कम होती थी, मैं तो वहाँ संन्यास दे देती। संन्यास दे देती तो वहाँ बहुत मस्त जगह है यार। बोट पार्क करते, थोड़ी अंजलि सीरियस हो गई अब। तो जाने का टाइम है, मैं दुखी हूँ, मुझे कल फिर ऑफिस का काम करना है। चलना है ना घर? नहीं नहीं जाना। तो यहीं डूब जाना। नहीं डूबना नहीं है मेरे को। चलो बोटिंग डन। ठीक है चलो, बोटिंग हो गया। 20 मिनट कर ली बोटिंग हमने, 400 रुपये। 20 मिनट बोटिंग की है? हाँ 20 मिनट कर ली बोटिंग। अच्छा है चलो, अब ये भी तो और अपना लेमन लिम का बुक में नाम लिखो। नहीं मेरे को तो लगा हम वहीं पर ही घूम रहे हैं। वहीं पर घूम रहे थे पर फिर भी 20 मिनट हो गए। अच्छा ठीक है चलो, जैकेट निकालते हैं फिर मिलते हैं आपको। सो यहाँ से लाइफ जैकेट मिलता है और ये सारी बोट्स है, यहाँ से अंदर जाना है और बोट में बैठ के आप जा सकते हो बोटिंग के लिए। सो लास्ट टाइम निकल गए नक्की लेक से बाहर गेट के, अभी यहाँ पे बाजार में आए हम लोग, तो कुछ रास्ते के लिए पार्सल करवा रहे हैं खाना। और यहाँ से आई गेस लास्ट टाइम रबड़ी पीने का भी प्लान है, एक और बार रबड़ी पियेंगे फिर निकलेंगे हमारे होटल के और, क्योंकि वहाँ पर हमारी कार पार्क है, वहाँ से कार लेके फिर नीचे उतरते हैं माउंट आबू से, क्योंकि हिल पे है तो पूरा 20-22 किलोमीटर नीचे उतरना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग रास्ता है, देखते हैं। हो गई तेरी इच्छा पूरी रबड़ी की? लास्ट टाइम दोबारा अंजलि के चेहरे पे और ही मुस्कान है। सुबह सुबह गरम गरम रबड़ी पी ली, विलियम जॉन से गार्लिक ब्रेड ले ली, रबड़ी बहुत टेस्टी है। हाँ विलियम जॉन से गार्लिक ब्रेड ले ली, अब चले या कहीं और? बस रहन बसेरा करना है यहाँ? नहीं अब हो गया, हो गया घर जाने, बस घर जाने, अपने बेड पे सोना है। तो बस अब मार्केट से निकल रहे हैं, घर के कंपेयर में आज तो बहुत ही कम ट्रैफिक है। सुबह जब आए थे तब ये मार्केट पूरी बंद थी 9 बजे के आसपास, अब ये मार्केट पूरी ओपन हो गई है। नहीं हमको कुछ नहीं करेगा बेटा। अरे कुछ नहीं करेगा, ले कुछ नहीं करेगा, फोटो खींचो बढ़िया। अरे ले बताओ, इस वजह मुझे कुत्ता पालना है, कैसे पालेगी तू कुत्ता? कुत्ता पालना है बट शुरू शुरू में लगता ही है डर, उसके बाद में कुछ नहीं लगेगा। मुझे कुत्ता पालना, मुझे डर लगता है कुत्तों से, तो शुरू स्टार्टिंग में लगता है बेटा, 15-20 दिन बाद फिर फोटो ली। हाँ बहुत ली, वीडियो भी ले ली। हाँ चलो हो गया कुत्ता खेल तुम्हारा। में कुत्ता एक पग ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। चलो हमारी कार आ गई गाइस, तो यहाँ से चलते हैं नीचे। अब ऐसा डिसाइड किया कहीं और नहीं रुकना, बहुत थक गए, तो डायरेक्ट ही गांधीनगर के लिए निकल जाएंगे। सही है ठीक है, तो मिलते हैं बीच में कहीं हमें रुके नाश्ता करने के लिए, ऐसे हमने लिया तो है नाश्ता तो करने के लिए रुके, तो मिलते हैं आपको। तो हम लोग रुक गए आधे रास्ते पे माउंट आबू से नीचे उतर रहे, और इस व्यू पे यहाँ पे रुक गए हम लोग गार्लिक ब्रेड जो उन्हें पार्सल करवाई थी वो खाने के लिए। एंड लुक एट द व्यू, इतना ब्यूटीफुल है। और थोड़ी सी हवा चली और गार्लिक ब्रेड नीचे, और हवा चल गई थोड़ी सी तो गार्लिक ब्रेड नीचे गिर जाएगी। तो मैं अंजलि को बोला था कि पार्सल करवा लेते, क्योंकि फिर यहाँ आधे रास्ते में इससे व्यू के साथ खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। मज़ा आ रहा है इस व्यू के साथ खाने में? धूप नहीं होती और मज़ा आता। क्या वो धूप नहीं होती तो और मज़ा आता। सो गाइस हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, गार्लिक ब्रेड एंजॉय कर ले इस व्यू में। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर ये वीडियो और ये सीरीज आपको पसंद आए देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब करें और ऑल्सो द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट सीरीज और नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट ब्लॉग लाइव हो उसके सबसे पहले आपको अपडेट मिले। एंड वी विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस, सी यू सून।